युवाओं को सेना में रोजगार देने के लिए लाई गई अग्निपथ योजना विवादों में है। पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर बेरोजगार युवाओं में असंतोष देखने को मिल रहा है। देश के युवा सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि अगर योजना को वापस नहीं किया गया तो वो आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये प्रदेश के जिले चरखी दादरी की हैं, जहां अग्निपथ योजना के विरोध में युवाओं को किसान यूनियनों और कुछ खापों का समर्थन मिला है। पहले तो आप उन युवाओं को सुनिए जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया थी उसमें हमारा टेस्ट हो चुका है और हमारे फिजिकल हो चुके हैं, नहीं तो हमारी लिस्ट लगाई जा रही है और नहीं हमारे टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो उनसे अनुरोध है कि टेस्ट भी लिए जाएं और ये पुरानी प्रतिक्रिया लागू की जाए और ये टीओडी वापिस। तो जिस तरह चरखी दादरी में खापे हैं उन्होंने आपका समर्थन कर, हाँ हमारे सभी खापों ने और किसान यूनियन ने हमारा समर्थन किया है। जो किसान यूनियन है, कर्मचारी संगठन है और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के जितने भी खापे हैं उन्होंने हमारा समर्थन किया है। हम शांतिपूर्वक हमारा आंदोलन करेंगे और इस आंदोलन इस काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। जब तक ये टीओडी वापिस नहीं हो जाती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नुकसान ये है, हमारा फिजिकल मेडिकल हो चुका था, अब हमारा रिटर्न बाकी था उसी को भी कैंसिल कर दिया गया है। लिया जाए और टीओडी को वापस लिया जाए। तब तक हमारा एग्जाम की डेट डिक्लेयर होगी तब तक। एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को सरकार देश के लिए सेवा बता रही है तो वहीं दूसरी तरफ ये योजना युवाओं को रास नहीं आ रही है और उन्हें भविष्य का डर सता रहा है। चरखी दादरी शहर के रोज गार्डन में इकट्ठा होकर शहर भर में प्रदर्शन करते हुए लघु सचिवालय परिसर में जिला उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। योजना लागू की गई है अग्निपथ योजना, इसके विरोध स्वरूप एक ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम, जिसमें इन्होंने अनुरोध किया है कि जो ये अग्निपथ योजना है, अग्निवीर हैं, इनको इस योजना को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए तथा इस योजना के लागू होने के बाद जो विरोध स्वरूप जिन नौजवानों ने अपनी जान गंवाई है उनको मुआवजा दिया जाए। तो इनके इस ज्ञापन को हम महामहिम राष्ट्रपति जी को उचित माध्यम से जल्द पहुँचा देंगे और जो भी सरकार का इसमें फैसला होगा उसकी अनुपालना की जाएगी। बता दें कि युवाओं ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को वापस करे और जिन भी युवाओं ने अपनी शहादत दी है उनके परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए। युवाओं का कहना है कि सरकार उनके हितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। सरकार द्वारा चलाई गई अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध हो रहा है, इसलिए सरकार को जल्द से जल्द इसको वापस करना चाहिए। युवाओं ने बताया कि अगर सरकार ने जल्द इस योजना को वापस नहीं किया तो एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।